हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ककोड़े की सब्जी की रेसिपी। इसको कई जगह कटोला भी बोलते हैं। तो इसकी सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये सब सब्जियों में से सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये ककोड़े लिए हैं। आप देख पा रहे हैं इस तरह से होते, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़े से ऊपर से ऐसे लगते हैं जैसे ये कंटीले होते, लेकिन कंटीले नहीं होते। इसकी ये ऐसी शेप है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं सभी को। और इसमें थोड़ा सा स्किन पर कचरा रहता है कि ये छिलते नहीं है। तो हमें इसको गर्म पानी में 5-6 मिनट भिगो के रख देना, जिससे क्या होगा कि जो इसके स्किन पर कोई मिट्टी कुछ भी लगा हुआ सारा पानी में आ जाएगा। तो इस तरह आप ज़रूर साफ़ करना, इससे बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाते हैं। तो आपको मैं 5-6 मिनट बाद में इनको दिखाती हूँ कि कचरा पूरा पानी में निकल जाएगा। तो चलिए 5-6 मिनट बाद में मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5-6 मिनट हो गए हैं और इनको मैंने अच्छे से पानी में साफ़ कर लिया है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, नीचे आपको दिख ही रहा होगा पूरा कचरा पानी में आ गया है। एकदम जो बारीक कचरा होता है सारा निकल गया, आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए। तो अगर आप ऐसे नॉर्मल पानी से साफ़ करोगे तो नहीं निकलेगा, आप गर्म पानी से आपको साफ़ करना। तो ये देखिए, अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और अभी हम आपको कट करके बताती हूँ कि मैं किस तरह इनको कट करना है। तो बहुत ही ईजी तरीका फ्रेंड्स ये। अगर ये थोड़े से पक्के रहते तो कट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कच्चे ही रहते हैं। तो ये देखिए, मुझे इस तरह मैं आपको कट करके बता रही हूँ, मुझे इसी शेप में पसंद है। आप लंबी आकृति भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इनके बीज कच्चे हैं तो इनको अलग नहीं करेंगे, तो ऐसे ही हम सभी को कट कर लेंगे। तो ये आसानी से कट हो जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, एकदम ये करेले जैसे होते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह मैं कट कर लूँगी। तो मैंने सभी को कट कर लिए हैं, सभी में कच्चे बीज निकले हैं तो मैंने बीज नहीं निकाले, लेकिन ये एक ककोड़ा पक्का निकल गया, तो इसके मैं बीज निकाल दूँगी। तो ऐसे हम थोड़ा इसके बीज निकाल देंगे, क्योंकि ये बीज पक्के हैं तो हमें निकाल देना है इनको। और ये सारे कच्चे बीज हैं तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाती हूँ, पास ही देखिए, एकदम कच्चे हैं, एकदम सॉफ्ट हैं ये। तो अभी हम इनको बनाते हैं। तो अभी ये ले लिया है मैंने कढ़ाई, तो इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। तो 1 चम्मच के करीब मैं सरसों का ऑयल लूँगी। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे जीरा। 1/2 चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है, इसको अच्छे से तिड़कने देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से कलर चेंज हो गया, अच्छे से तिड़क चुका है। तो इसमें मैंने एक लंबी स्लाइस में प्याज कट कर लिया था, वो डाल दिया है। और ये मैंने 3-4 हरी मिर्च लंबी स्लाइस में कट कर ली थी, ये भी इसमें डाल दी है। और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इनको थोड़ा ही हमें फ्राई करना है, क्योंकि हमें इनको ककोड़े भी इनमें साथ में फ्राई करने हैं। तो अगर इनको पहले हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो उनके साथ करेंगे तो जल जाएंगे। तो हमें थोड़ा ही, देखिए इस तरह का ही हमें फ्राई करना है। तो सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा हमें इनको प्याज को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें ककोड़ा के साथ में फ्राई करना है। तो अभी हम इसमें जो ककोड़े कट करके रखे थे वो डाल देंगे। तो ये इसमें मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी गई है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसमें बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं प्याज और हरी मिर्च में। इनको हम प्याज और हरी मिर्च के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जैसे हम करेला की सब्जी बनाते हैं। सेम वैसे ही ये लग रहा है देखने में, लेकिन ये करेला नहीं है, उसकी शेप की आकृति का करेले थोड़े बड़े होते हैं और ये थोड़े छोटे से हैं। और इसको मैं ढक देती हूँ, ढक के कम से कम हम इसको 3 मिनट ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे क्या होगा जल्दी गल जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, 3 मिनट हमने इसको ढक के पका लिया है।
तो इसको हम फिर से चम्मच को चला देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये नीचे एक तरफ नहीं पकेंगे, चारों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। और ये मैंने दरदरा एक लहसुन 6-7 कलियाँ लहसुन का, लहसुन को कूट लिया है, या आप पेस्ट भी बना सकते हो। मैंने दरदरा इसको लहसुन को कूटा है, ये इसमें डाल देंगे। और एक टमाटर मैंने बारीक कट कर लिया था लंबी स्लाइस में, इनको भी हम कट कर इसमें डाल देंगे। और इनको गलने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टमाटर डालना नहीं चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, या नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो टमाटर को भी हमने 2 मिनट अच्छे से इनके साथ पका लिया। तो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए हमने लंबी लंबी स्लाइस में इनको डाला था, बारीक लंबी स्लाइस में, लेकिन ये भी गल गए हैं, ये देखिए। अभी हम इनमें मसाला ऐड करेंगे, पहले मैं टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। जिसको सब्ज़ी नहीं भी बनानी आती वो भी इसको आसानी से बना सकता है। तो ये मैंने 1 चम्मच रेड मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमें कमी डालनी चाहिए। तो 1/2 चम्मच मैं हल्दी लिया है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। तो मैं 1/2 चम्मच के करीब ही इसमें नमक ले रही हूँ। अगर आप इस तरह बनाओगे तो आपके करेले ककोड़े की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मसाले को हम अच्छे से कम इसको लो फ्लेम में हमें 2 मिनट पका लेना है। तो अच्छे से हम पहले इसको मिक्स कर देते हैं सभी मसाले को। अगर आप इस टाइम गरम मसाला डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे ऐसे बहुत ये टेस्टी लगते हैं। तो अभी हम इसको ढक के कम से कम 2 मिनट पका लेंगे, जिससे क्या होगा कि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने लो फ्लेम पे इनको 2 मिनट अच्छे से पका लिया है। अभी मैं मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए आसानी से गल गया है, ये देखिए अपने आप ही ये कट रहा है थोड़ा सा जोर डालने से ही। तो हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और एक बाउल में आपको निकाल के बताऊँगी फ्रेंड, बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बाउल में निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा कलर आया है, देखिए। तो ये देखिए मैंने बाउल में आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।